महाराष्ट्र में आपकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेटर कल आया है, अनिल परब का नाम सामने आया है। अनिल, देखो मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की कोशिश पहले दिन से चल रही है, पहले दिन से, सुबह से रात तक यही काम चलता है कुछ लोगों का। लेकिन उससे सरकार अस्थिर नहीं होगी, अस्थिर करने वाले लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक आरोपी, एक ये नया एक फैशन या नया एक सगुफा शुरू हो गया है। जेल में जो लोग बैठे हैं उनके पास से कुछ चिट्ठियां लिख कर लेते हैं और उछाल कर सरकार के खिलाफ आवाज मनाते हैं कुछ लोग। ऐसा होगा तो जेल में और भी बहुत लोग हैं, उनसे भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ, कोई सीबीआई के लॉकअप में है, कोई एनआईए के है, कोई और किसी के है, ईडी के लॉकअप में है जी। इस प्रकार की गंदी राजनीति इस राज्य में या इस देश में पहले कभी नहीं हुई थी। बीजेपी के अनिल परब का नाम कल आया है, अजीत दादा पवार जी का नाम आया है, अनिल देशमुख का नाम लिया है। कौन ले रहा है? जो व्यक्ति एक ऐसे जघन्य अपराध में लॉकअप में है उससे लिखवा कर लिया जाता है और उसके एविडेंस बनाकर सामने लाया जाता है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अनिल परब जी को मैं पहचानता हूँ, इस प्रकार के कामों में वो कभी लिप्त नहीं होता। कोई भी शिवसैनिक बाला साहेब ठाकरे की झूठी शपथ नहीं ले सकता, मैं इतना ही कह सकता हूँ। कल उसने बाला साहेब ठाकरे जी की शपथ लेकर कहा है कि मैं ये गंदा काम नहीं किया और मेरा ये शपथ जो लिया है अनिल परब ने उसका ऊपर विश्वास है।